फुल मूड में आज ग्रिप के, मुझे लगा आज ग्रिप नहीं लगाएगा क्योंकि सुबह सुबह इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। ये आ गया बाहर, रोलेक्स के साथ खेलना चाहता है। नो रोलेक्स, रोड पे ही घूम रहे हैं, लेके चलता हूँ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा दोनों का। जो है तो समझदार है, इसका हो सकता है। ओए चल, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पियर पेन ब्लॉग। ये रहा बुगू, आज का ब्लॉग बुगू के साथ शुरू कर रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, अभी जस्ट सनराइज हो रहा है, अभी जस्ट उठा हूँ मैं सो के, आज कुछ ज्यादा ही लेट तक सो गया मैं। अभी थोड़ी देर में चलेंगे डॉग्स के पास, देखेंगे जो का हालत कैसा है। शाम को तो देखा था मैंने, अच्छा था, मतलब खाना वाना अच्छे से खा रहा था, पूरा एक्टिव था, और रोलेक्स भी एकदम बढ़िया कल ट्रेनिंग किया। मैं आ गया हूँ रोलेक्स के पास, इसकी थोड़ी सी ग्रिप लगवाता हूँ, सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए इसकी, और तब अच्छे से ही खाना खाएगा, नहीं तो छोड़ देता है। मुझे लग रहा है रोलेक्स आज ग्रिप लगाने का मन नहीं है, या इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है लग रहा है, क्योंकि ग्रिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आज। और ब्लू चलने लगे हैं गाइस, तो जो हवा लगती है डॉग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, गर्म वाली हवा, तो इसको वहीं पे बांधूंगा और ये चौकी भी लगा दूंगा ताकि इसको हवा ना लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंदर से जॉय भी कुकू कर रहा है, उसको चल के देखता हूँ उसका मुंह कैसा है। ये आ गया बाहर, रोलेक्स के साथ खेलना चाहता है। नो रोलेक्स, लेकिन खेलते खेलते ही फाइट कर देता है। नो रोलेक्स, नो नो रोलेक्स, नो। बहुत डर लगता है मुझे, कब फाइट हो जाए कोई उसका वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। अब इसके मुंह में बहुत ज़्यादा आराम है, बिल्कुल सूख गया मुंह इसका, थोड़ा सा रह गया है, वो भी आराम हो जाएगा। दोनों आराम से खेल रहे हैं आज, कोई है नहीं रोड पे, एकदम खाली है। ये भी जा रहा है, जो तो गया फ्रेश होने बाहर, अभी आ जाएगा कुछ देर में। कम रोलेक्स। ओह माय गॉड, तो फाइनली थोड़ा सा तसल्ली मिला दिल को गाइस, नहीं तो मुझे तो लगा था कि जॉय को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम हो ही गई थी, क्योंकि उसके मुंह से वो बदबू भी आने लगी थी, जब कुत्ते जब सड़ जाते हैं वैसी वाली बदबू आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन इंजेक्शन जो डॉक्टर ने बोला, जो लगाया मैंने कल, वो बहुत अच्छा काम किया है, मतलब 75% अच्छा है, बस 25% और रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा। देखो वहाँ आराम से घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका मुंह जो लटक गया था बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी एकदम सही हो गया। इसको देखो मेरे पीछे क्या कर रहा है, पिलर पे टेक देके, ये देखो पूरा जंप करके पूरा ग्रिप लगा रहा है, फुल मूड में आज ग्रिप के, मुझे लगा आज ग्रिप नहीं लगाएगा क्योंकि सुबह सुबह इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, फिर जब बाहर से एक बार घूम के आया है उसके बाद से लगाना शुरू किया है, अब जाके एकदम तगड़ा लगाना शुरू कर दिया है। वैसे मैं दोनों का खाना लेके पहले ही आ चुका हूँ, लेकिन रोलेक्स थोड़ा सा ग्रिप लगा ले, क्योंकि ग्रिप लगाने के जस्ट बाद खाना देने पे फटाक से सारा फिनिश कर देता है, टोटल वेस्ट नहीं करता है थोड़ा भी, तो थोड़ी देर लगा ले उसके बाद ही खाना देंगे। तो रोलेक्स जब तक ग्रिप लगा रहा है चौकी को, मैं इधर सेट कर देता हूँ गाइस। रोलेक्स को खाना दे दिया गाइस, चौकी भी इधर से लगा दी है कि हवा नहीं लगेगी इसको गर्म वाली। जो है रूम में खाना दे दिया है, यहीं पे सेफ है ये। A few inches later. फाइनली दोपहर हो गई गाइस, और मैं आ गया और उसकी तरह अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने के लिए। अब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो पीछे फैन भी चलाना पड़ा, नहीं तो पूरे पसीने आ रहे थे मुझे। ये देखो टाइम हो रहा है 11:13 शुरू करता हूँ पढ़ाई अपनी, और नोट्स का तो रिविजन हो गया, अब क्लास शुरू करूंगा अपना थोड़ी देर में। तभी मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एक दो क्लास और लेंगे, बाद शाम को 5:45 तक लेके चलेंगे रोलेक्स को घुमाने के लिए। और जो अब ठीक हो गया है, उसका मुंह 70% तक अच्छा हो गया है, तो थोड़ा सुकून है, पढ़ने में भी मन लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। बात तो सही है उसको लेके। तभी पढ़ते पढ़ते दोपहर हो गई है गाइस, और मैं थोड़ा सा सत्तू पी रहा हूँ, ये देखो। गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा होता है सत्तू पीना, गला सही रहता है, सूखता नहीं है, और लू भी नहीं लगता है। पहली शाम हो गई है गाइस, पढ़ते पढ़ते 5 बज गए, ये देखो 5 बजने वाले हैं। अब चलता हूँ डॉग्स के पास। आ गया हूँ गाइस मैं रोलेक्स के पास, और आज ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया था, तो देखो अपना खाना आधा ही खाया आधा छोड़ दिया है, सही। चल के थोड़े जॉय की हालत देखता हूँ, उसका मुंह कैसा है। ये रहा जॉय, अभी जस्ट बाहर आया है, थोड़ा आराम लग रहा है लेकिन अभी पूरा आराम नहीं है। देखो ये गेट पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मुंह पे बहुत ज़्यादा आराम है, पूरा लटक गया था कल ये, अभी थोड़ा जाके आराम हुआ है। तब थोड़ा उसको भी, वो रोलेक्स को भी अनलिस्ट करता हूँ, वो भी थोड़ा घूम लेगा, दिन भर बंधा ही हुआ था, आज तो चौकी भी लगा दी है मैंने, तो बाहर का कुछ दिख भी नहीं रहा होगा उसको। देखो अनलिस्ट होने के बाद एक बार बाहर गया था, फिर अंदर आ गया, जो अभी बाहर ही है। आज इसके लिए चिकन लेके आऊँगा, 2-3 दिन हो गए इसको चिकन दिए हुए। आज तो मेरे को काम है, रोलेक्स को बाहर लेके नहीं जा पाऊंगा, यहीं पर थोड़ा सा बाहर घुमा देता हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है वेजिटेबल लेने के लिए। जो अपने बाहर गया ही है, इसको भी लेके चलता हूँ। वो रहा सामने जो है, वो देखो सामने जा रहा है, ये भी पीछे से जा रहा है, एकदम फ्रेंडली है, कोई डर नहीं है, ये भी एकदम जॉय की तरह है, इसे डर नहीं लग रहा है आप कि ये किसी पे अटैक करेगा। कहाँ पर देखिए, तो एक सांप निकल गया छोटा सा, तो रोड पे ही घूम रहे हैं, लेके चलता हूँ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा दोनों का। जॉय तो समझदार है, इसका हो सकता है। ओए चल, देखो देखो देखो, कम रोलेक्स कम। तो दोनों घूम लिए हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, आगे अगर रोलेक्स जा रहा था, अब जॉय भी आ गया पीछे से। कम रोलेक्स, स्पीड तो है इसमें बहुत ज्यादा। चलो चलो अंदर चलो, जो है चल अंदर चल, तू चल तू चल। जो है सीधे रूम में जाएगा, इसको रूम में ही आराम मिलता है, जब भी बीमार रहता है रूम में ही रहता है,
ये लो ये भी उसके पीछे जा रहा है। अब इसको बांधता हूँ मैं, चलता हूँ मार्केट के लिए, नहीं तो शाम हो जाएगी तो सब्जियाँ भी नहीं मिलेंगी। कम रोलेक्स, उसके बाद आएंगे शाम को, टाइम मिलेगा थोड़ा सा भी तो रोलेक्स को हल्का फुल्का और टहला देंगे, क्योंकि अभी पूरे करंट में है। देखो अभी भी पूरा खाना नहीं खाया है, ये देखो इसको देखा कि उसको डरा रहा है। A few inches later. देखो रोलेक्स को दिखाया चिकन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। देता हूँ, इसने खाना भी छोड़ा हुआ है, उसे मिक्स करके दे देंगे चावल के साथ, तो रोलेक्स की रॉ बिरयानी बन के तैयार है। अब देता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और थोड़ा सा जॉय के लिए भी लाया हूँ, उसको भी देता हूँ, जो अभी अपना फिनिश कर रहा है चिकन। A few inches later. फाइनली रात हो गई गाइस, और मैं खाना लेके आ गया हूँ रोलेक्स का, जॉय का। इसको आज थोड़ा सा ही खाना देंगे, क्योंकि अभी चिकन दिया था मैंने इसको, हल्का सा देंगे, और हल्का सा ही जॉय को भी देंगे, उसको भी चिकन दिया था मैंने। अब उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, इसका फेवरेट है। A few inches later. तभी रात हो गई गाइस, और मैं आ गया अपने स्टडी टेबल पे डिनर करके। देखो टाइम कितना हो रहा है, देखो टाइम हो रहा है 9:44, मतलब 10 बजने वाले हैं। और देखो बाहर से खिड़की से हवा ठंडी ठंडी आ रही है, तो रात में पढ़ाई करने में बहुत पीसफुल फील होता है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक दो घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, शुभरात्रि।